अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बहुत ही खूबसूरत कस्टमाइज्ड डिज़ाइन आज आपके साथ शेयर किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आप सबको पसंद आएगा। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं सोफ़ा सेट के बारे में। ये एक टर्किश डिज़ाइन है जो कि आपके साथ शेयर किया जा रहा है आज। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसकी जो साइड आर्म्स हैं, फ्रंट पैनल्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी खूबसूरत स्टिच वर्क हुआ हुआ है। एज़ यूजुअल जो हम अपने सोफ़ाज़ बनाते हैं वो स्प्रिंग बेस्ड होते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है वो 1 इंच एकेशिया वुड में होता है जो कि ड्राई होती है और स्प्रिंग बेस्ड है। इसके ऊपर जो फैब्रिक यूज़ किया गया है वो इम्पोर्टेड वेलवेट है और जो इसकी साइड पैनल्स हैं जिसमें आप ये डार्क कलर देख रहे हैं ये जैगुआर फैब्रिक यूज़ किया गया है जो कि इम्पोर्टेड है। इसी तरह ही स्ट्राइप्स के पैनल्स इसके कुशन्स में ऐड किए गए हैं। कुछ कुशन्स इसके स्क्वायर शेप में हैं, कुछ रेक्टेंगुलर शेप में हैं। जो बैक है वो भी काफ़ी कम्फर्टेबल है इसकी, जो कि पॉलिएस्टर में, जिसे आप इंग्लिश कॉटन भी कहते हैं, उसमें बनाए गए हैं। आइए इसकी जो खसूसियात हैं वो आपके साथ मज़ीद शेयर की जाएंगी। जैसे कि इसकी सीट है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप देखें कि इसकी जो डेप्थ है वो फुल है और जो सीट है वो स्प्रिंग बेस्ड है और काफ़ी सॉफ्ट सीट है कि जो बैठने वाला पर्सन है वो काफ़ी आरामदेह रहे। इसके जो आप फ्रंट पैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर ये स्टिचिंग है और एक क्रॉस शेप बनी हुई है, ये अलग से इसके साथ स्टिच करके लगाया गया। इसी तरह ही हर सीट के ऊपर ये शो हुआ हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन आप कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें आपकी चॉइस है। कुशन्स भी आप इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। इसके साइड पैनल्स पे अगर आएँ तो वही जो डिज़ाइन फ्रंट पे है एज इट इज़, आर्म्स के ऊपर भी उसको खींचा गया है। फिर इसके साथ एक बक्कल नुमा डिज़ाइन भी ऐड किया गया जो कि आजकल काफ़ी इन है। तर्किश डिज़ाइन अगर आप देखें तो उसके अंदर ये चीज़ आपको नुमाया नज़र आती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय, अपने क्वेश्चन आंसर्स, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं और इनबॉक्स में भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।